महेंद्र सिंह धोनी उनकी भी बेटी का जब बर्थ होने वाला था वो नहीं गए थे लौट कर। क्या इस चीज को भी एक चीज काउंट करनी चाहिए कि प्लेयर कितना सीरियस है देश के प्रति सेवा देने के लिए हमें पर्सनल नहीं पहुंचना चाहिए बस इतना जरूर कहूंगा अगर यही डेब्यू बन रहा होता तो शायद कोई भी घर नहीं जाता टेस्ट सीरीज से पहले विराट कर रहे हैं पेटर्निटी लीव के लिए रेस्ट तो कैसे जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम लोग टेस्ट देखिए अगर आप एक प्लेयर के ऊपर निर्भर करते हैं टीम को तो आप कभी नहीं जीत सकते हाँ विराट कोहली जैसा प्लेयर पिछले पचास साल में आ, शायद एक दो ही उनके साथ कंपेयर कर सकते हो इतना बड़ा प्लेयर है जब वो टीम में नहीं होगा तो थोड़ा सा आश्चर्य तो टीम को होगा या टीम को कह सकते थोड़ी बहुत कमज़ोरी आएगी लेकिन अगर टीम को स्ट्रॉन्ग बनना है तो नहीं है तो कोई बात नहीं उसके बावजूद भी हम जीतने की क्षमता रखते हैं इस तरह की सोच चाहिए मैं मैं मानता हूं कि विराट कोहली अपने पर्सनल काम के लिए वापस आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि जब आपकी फैमिली में एडिशन होती है तो आप उस मौके को खोना नहीं चाहते लेकिन हिंदुस्तान उनको जरूर मिस करेगा नहीं हिंदुस्तान तो सर मिस इसलिए भी करेगा ना कि रोहित शर्मा भी नहीं पहुंच पा रहे ईशान शर्मा भी नहीं पहुंच पा रहे इंजर्ड हैं अब विराट कोहली भी नहीं होंगे अजिंक्य रहाने कप्तानी कर सकते हैं आपको क्या लगता है पर्सनल डिसीज़न क्या भारत की और ऑस्ट्रेलिया के दौरा छोटा तो है नहीं सर उससे ऊपर रखा जा सकता है देखिए पर्सनल कभी किसी के इंटरफेयर नहीं मैं करता हर प्लेयर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए तो इसलिए आ, आज नहीं है तो क्या हमारे ये जो यंग टीम है, है ये लड़के हैं ये ऑस्ट्रेलिया को एक चैलेंज कर सकती है वो सोच होनी चाहिए जो नहीं है नहीं। उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर नेगेटिव थॉट अंदर आते हैं ये यंग टीम है और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं आज विराट कोहली नहीं है उन्होंने इतने साल सेवा की है आज धोनी नहीं है कोई बात नहीं आज सचिन नहीं है कोई बात नहीं क्या ये यंगस्टर वो बीड़ा अपने दम पर उठाएंगे और कहेंगे हम इनके बिना भी मैच जीत सकते हैं शायद आज उस टीम को ज़रूरत है इस चीज़ की हम्म पर सर जरूरत तो है पर मुझे एक बात बताइए कि देश को अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है आप खुद भी देख रहे हो आपके लिए जब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया दौरा जीत के लाए थे जो रवि शास्त्री जो कोच हैं उन्होंने कहा था कि इसको मैं वर्ल्ड कप के बराबर रखता हूं यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बीसीसीआई ने भी जिस तरीके से कंफ्यूजन फैलाया रोहित शर्मा के ऊपर आपके पास विराट कोहली भी नहीं है अब आपके पास रोहित शर्मा भी नहीं है आपके पास वो बड़े प्लेयर ही नहीं है यानी कि आपने तो इस सीरीज को बिल्कुल बांग्लादेश जैसी सीरीज का दर्जा दे दिया ऐसा होना नहीं चाहिए देखिए अगर नहीं है तो कभी कोई इंजर्ड भी हो सकता है और नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चारों हाथ छोड़ दें और कहें तो अभी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ये दम होना चाहिए और वो, वो वो जोश होना चाहिए पर आपने आज, कहा कि चैलेंज लेना चाहिए यंगस्टर्स को तो यानी कि इस सीरीज को हम हारा हुआ मान लेना हम क्यों तो मान हुआ? मैं तो कभी नहीं मैं तो ये कहूँगा कि इन यंगस्टर को आज और जोश से हुँ. और कहना चाहिए आज हमारे सीनियर प्लेयर नहीं हैं वो अपने घरेलू काम हुँ. से हैं और हम जीत के दिखाएंगे वो जब जज्बा आता है ना टीम में तो एक छोटी टीम भी बड़ा टीम बन जाती है एक छोटी सी चीटी भी बड़े हाथी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है हां अगर ये प्लेयर नहीं है आज इंडियन टीम छोटी लग रही है ये नहीं कि बड़ी लग रही है लेकिन अगर आप सांस ही छोड़ दोगे हाथ ही छोड़ दोगे और लड़ने का जज्बा छोड़ दोगे फिर तो आप जीत ही नहीं सकते खेल क्यों रहे हो पर परसा पर्सनल डिसीजन पर दोबारा आ जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी उनकी भी बेटी का जब बर्थ होने वाला था वो नहीं गए थे लौटकर ऐसे ही लंबे दौरे पर थे वो वहीं पर रुके थे तो यहां पर क्या इस चीजों से भी प्लेयर बड़ा बनता है क्या मतलब क्या इस चीज को भी एक चीज काउंट करनी चाहिए कि प्लेयर कितना सीरियस है देश के प्रति सेवा देने के लिए या देखिए ये पर्सनल है फिर हमें पर्सनल नहीं पहुंचना चाहिए देखिए बस इतना जरूर कहूँगा अगर यही डेब्यू बन रहा होता तो शायद कोई भी घर नहीं जाता लेकिन आज वो अफोर्ड कर सकते हैं और कोई बात नहीं उन्होंने इतनी सेवा की है अगर एक टेस्ट के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं हम फिर भी ये कहेंगे उस चीज़ के ऊपर चर्चा नहीं अब चर्चा होनी चाहिए किस यंगस्टर को उनकी जगह मौका मिलेगा खेलने का क्या वो परफॉर्म कर सकता है मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करूँगा कि आज एक छोटी टीम बड़ी टीम के साथ लड़े और फिर कहे कि हाँ ये छोटी टीम भी अगर जीत के आ सकती है तो फिर इस टीम का मॉरल क्या होगा तो चलिए विराट चाहे करे रेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है टेस्ट उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस होगी बेस्ट और क्रिकेट की सारी डिटेल के लिए देखते रहिए अनकट सर देखेंगे आप आप यहां पर हो मैं यहां पर हूं क्यों नहीं देखेंगे जरूर देखेंगे